नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है? तो मुझे कुछ दिन पहले ईडी ऑफिस में बुलाया गया। अच्छा भैया, शांत हो जाएं। कुछ दिन पहले मुझे ईडी ऑफिस में बुलाया गया। छोटा सा कमरा था, 12 फुट बाय 12 फुट मान लो। बीच में मेज थी, कंप्यूटर था। 3 ईडी के ऑफिसर बैठे थे, एक बाहर खड़ा था और मैं उनके साथ कमरे में बैठा। पहले दिन 11 बजे पहुंचा। शाम हुई, मैं ज्यादा कुर्सी से नहीं हिला। वो बीच में उठ जाते थे, चले जाते थे। उनके जो सीनियर ऑफिसर थे, उनको इंस्ट्रक्शन की भी जरूरत थी तो वो निकलते रहते थे, आते थे। तो रात को 10:30 बजे मुझे कहते हैं, राहुल जी एक बात आप हमें बताइए, आप यहां सुबह से बैठे हैं, आप कुर्सी से उठते नहीं हैं, आप सीधे बैठे रहते हैं और 11 घंटे हो रहे हैं, 11:30 घंटे हो रहे हैं, आप बिल्कुल थके ही नहीं हो। हम थक गए हैं मगर आप नहीं थके। ये उन्होंने पूछा, आपका सीक्रेट क्या है? मैंने सोचा और मैंने कहा कि इनको सच्ची बात नहीं कहता हूं, दूसरी बात कह देता हूं, दूसरा कारण कह देता हूं, मगर मेन बात नहीं कहता हूं। मैंने कहा कि मैं विपासना करता हूं, उसमें बैठना पड़ता है तो आदत लग गई है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, 6, 7, 8, 10 घंटे बैठा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर उन्होंने मुझे पूछा, विपासना के बारे में पूछा, मगर सच बात तो मैंने उनको नहीं बताई। आप जानते हो सच बात क्या है? सच बात यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं बैठा था, उस कमरे में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस का हर नेता, हर कार्यकर्ता कमरे में बैठा था। आप एक आदमी को थका सकते हो मगर आप कांग्रेस पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को, नेताओं को नहीं थका सकते हो। और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता उस कमरे में नहीं थे। उस कमरे में इस सरकार के खिलाफ जो भी बिना डरे लड़ता है वो बैठा था। ठीक है, उन व्यक्तियों को स्पेशल इनविटेशन ईडी ने नहीं दिया, मगर उस कमरे के अंदर जो भी हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं वो सब के सब मेरे साथ बैठे हुए थे, तो थकूंगा कैसे? अच्छा, फिर 3, 4, 5 दिन हुए। आखिरी दिन कहते, राहुल जी आपने इतनी पेशेंटली सवाल के जवाब दिए, हर सवाल को आपने सुना, आपने जवाब दिया, फिर आपने चेक किया, तो इतनी पेशेंस आप में से आपको कहां से मिल गई? मैंने कहा, भैया ये तो मैं आपको नहीं बता सकता। वो पहले आपने थकान की बात पूछी, मैंने विपासना बोल दिया, मैं पेशेंस का नहीं कह सकता आपको। आप जानते हो पेशेंस कहां से आई?
कह देना था, कांग्रेस पार्टी में 2004 से काम कर रहा हूं। पेशेंस नहीं आएगी तो क्या आएगी? इस बात को कांग्रेस पार्टी का हर नेता समझता है। देखो बैठे हुए सचिन पायलट जी बैठे हुए, सब बैठे हुए, मैं बैठा हूं। तो ये जो हमारी पार्टी है, संगठन है, सिद्धरमैया जी भी बैठे हुए हैं, रणदीप, सब बैठे हुए हैं, पेशेंटली बैठे हुए हैं, प्यार से बैठे हुए हैं। तो ये जो हमारी पार्टी है, ये हमें थकने नहीं देती है और ये हमें रोज पेशेंस सिखाती है और इसी से हमें स्ट्रेंथ आती है, इसी से हम लड़ते हैं। उधर पेशेंस की कोई जरूरत नहीं, उधर बस हाथ जोड़ दो, मत्था टेक दो, सच्चाई मत बोलो, काम हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपको लगा होगा कि राहुल गांधी 5 दिन 3-4 ईडी ऑफिसरों के साथ अकेला बैठा है। आप गलतफहमी में हो, आप सब मेरे साथ ईडी ऑफिस में बैठे हुए थे और आपने अपनी शक्ति मुझे दी, इसीलिए ईडी शीडी कुछ नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको बताऊं, वेणुगोपाल जी ने कहा, मैं आपको बता रहा हूं, जो ऑफिसर्स थे जिन्होंने मुझे इंटरोगेट किया, उनको भी यह बात समझ आ गई कि कांग्रेस पार्टी के नेता को डराया नहीं जा सकता है, कांग्रेस पार्टी के नेता को दबाया नहीं जा सकता है, धमकाया नहीं जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सच्चाई के लिए लड़ती है। सच्चाई में पेशेंस की कोई कमी नहीं होती, सच्चाई कभी थकती नहीं है। झूठ जरूर थक जाएगा मगर सच्चाई कभी नहीं थकती, सच्चाई में पेशेंस की कोई कमी नहीं हो सकती। तो मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। मगर मेरा जो मामला है, ये छोटा सा मामला है, मैं आपको बताऊं तो ये जरूरी भी नहीं है। आज सबसे जरूरी बात हिंदुस्तान में रोजगार की है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, जो इस देश को रोजगार देती है, उस रीढ़ की हड्डी को इन्होंने तोड़ दिया है। और आज मैं महीनों से कह रहा हूं और जो हमारे युवा हर रोज सुबह दौड़ते हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, फोर्सेस में भर्ती होने के लिए दौड़ते हैं, उनसे मैं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने इस देश की रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है और यह देश अपने युवाओं को अब रोजगार नहीं दे पाएगा। चाहे सरकार कुछ भी कर ले, यह देश अब अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। 2-3 बड़े उद्योगपतियों को नरेंद्र मोदी जी ने देश पकड़ा दिया है। ये 2-3 उद्योगपति देश को रोजगार नहीं दिलवा सकते हैं। और अब जो आखिरी रास्ता था युवाओं के लिए, जो आखिरी रास्ता था देशभक्ति का, आर्मी का, फोर्सेस का, उस रास्ते को इन लोगों ने बंद कर दिया है।
वन रैंक वन पेंशन की बात करते थे, अब नो रैंक नो पेंशन। अब आप दौड़ो, सुबह सुबह दौड़ो, आर्मी में भर्ती हो और फिर घर जाओ। और याद रखना, जब आप घर जाओगे, मैं गारंटी करके कह रहा हूं, जब आप घर जाओगे, आर्मी के बाद घर जाओगे, आपको कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है, कोई रोजगार नहीं मिलने वाला है। दूसरी तरफ आज चाइना की सेना हिंदुस्तान की धरती में बैठी हुई है, हजार स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जमीन चाइना की सेना ने हमसे छीनी है। यह सच्चाई है, इस बात को हिंदुस्तान की सरकार ने एक्सेप्ट किया है। सेना को मजबूत करना चाहिए और सरकार सेना को कमजोर कर रही है, और इसका नतीजा आएगा जब युद्ध होगा, तब इसका नतीजा आएगा। और मैं याद रखिए जो बात बोल रहा हूं, जब युद्ध आएगा, हमारी जो आर्मी है उसको कमजोर कर रहे हैं ये लोग, देश का नुकसान होगा। और ये लोग अपने आप को नेशनलिस्ट कहते हैं। तो ईडी का मामला छोटा सा मामला, उसको छोड़िए, सबसे जरूरी मामला, सबसे जरूरी बात, ये जो हमारे युवा हैं जो हर रोज, ये देशभक्ति के एक चिन्ह है, हर प्रदेश में ये सुबह 4 बजे दौड़ते हैं, इनके भविष्य की रक्षा करना हमारा काम है, हमारा फर्ज, ये हमें करना है। और हमने कहा है, देखिए, किसानों के बारे में मैंने कहा था, मोदी जी को ये बिल वापस लेने पड़ेंगे, कहा था ना मैंने, लिया ना वापस। अब कांग्रेस पार्टी कह रही है नरेंद्र मोदी जी को ये जो नया अग्निपथ का स्कीम है इसको वापस लेना पड़ेगा। और हिंदुस्तान का हर युवा हमारे साथ इस काम में खड़ा मिलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का युवा जानता है कि सच्ची देशभक्ति सेना को मजबूत करने की होती है, सेना को कमजोर करने की नहीं होती है। आपने मुझे इतनी शक्ति दी, मैंने बोला आपको कि पिछले 5 दिन आप सब मेरे साथ ईडी में बैठे थे, सबके सब, हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, सबके साथ आप मेरे साथ बैठे हुए थे, आपने मेरी मदद की, आपने मुझे अपना प्यार दिया, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। और एक साथ मिलकर ये जो नया धोखा किया है नरेंद्र मोदी जी ने सेना के साथ, देश के साथ, इसको हम रद्द करवाएंगे। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।